नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उज्जैन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यश गांधी। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। दादूराम आश्रम में मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व, श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किए। उज्जैन 5 जुलाई गुरु पूर्णिमा पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार अषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि मनाया जाता है। इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन चारों वेद 18 पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वेदों के विभाजन करने के कारण ही इनका नाम वेद व्यास पड़ा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की पूजा और सम्मान पर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इसी श्रृंखला में श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन में पिपली नाका स्थित दादूराम आश्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यह पर्व मनाया गया। लोगों ने गुरु चरणों की पूजन किया, आशीर्वाद लिया। दादूराम आश्रम में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानदास जी महाराज ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से फैली वैश्विक महामारी के प्रकोप के चलते बाबा महाकाल की नगरी में दादूराम आश्रम में विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया था। महाकाल के आशीर्वाद से 100 दिन पूर्ण हो चुके हैं। लगभग वैश्विक महामारी का भी अंत करीब है। बाबा महाकाल की कृपा से श्रावण मास की अच्छे रहेगा, कल्याण एवं मंगल होगा। सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बाबा महाकाल की नगरी, भगवान कृष्ण की गुरु नगरी अवंतिकापुरी उज्जैन में धूमधाम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गुरु पूर्णिमा मनाई गई और इसमें अनेक श्रद्धालु सोशल मीडिया की माध्यम से और ऐसे भी लोगों ने दर्शन किए, गुरु चरणों की पूजन किया। और हमें ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम गुरु पूर्णिमा बहुत ही अच्छे से मना रहे हैं और श्रावण माह भी अच्छे से उत्सव के साथ चलेगा, क्योंकि कोरोना महामारी का जो प्रकोप उज्जैन में चल रहा था, जो कि हिंदुस्तान में सबसे आगे पहुंचने वाला था और पहुंच गया था शुरुआत में तो, लेकिन बाबा महाकाल के सानिध्य में दादूराम आश्रम में गुड़ी पड़वा से विष्णु महायज्ञ जो चल रहा था, कहीं ना कहीं बाबा महाकाल के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में 100 दिन पूरे हुए और इस महामारी का जो अंत हुआ पूर्णतः है, ये महामारी ख़त्म होने वाली है, हो गई लगभग, कुछ परसेंट बची बाबा के कृपा से, ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि बाबा महाकाल के सानिध्य में श्रावण मास भी अच्छा रहेगा, सभी का कल्याण हो, मंगल हो। इसी आशा के साथ पुनः गुरु पूर्णिमा की आप सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएँ। सत्य राम दादू राम। सभी देशवासी धर्मप्राण जनता को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की हार्दिक बधाई। आज हमारे यहाँ दादूराम आश्रम भैरूगढ़ रोड उज्जैन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। प्रतिवर्ष के अनुसार ही हमने ये मनाया है, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए हमने यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से अनुरोध किया था कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही गुरुजी के दर्शन करें, अपने घर पे सुरक्षित रहें और घर पर बैठ कर ही गुरुजी के प्रवचन का आनंद का लाभ लें। और हमारे जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमः। हमारे जो गुरु होते हैं वही हमारे लिए शिव होते हैं, विष्णु होते हैं, ब्रह्मा होते हैं। हमारे जीवन में एक अंधकार होता है, पर गुरु के आने से हमारे मार्ग को पथ प्रदर्शित करते हैं गुरु हमारे लिए, और हमारे लिए गुरु हमारे जीवन में ज्योति का कार्य करते हैं। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यकता है, और गुरु रहते हैं तो गुरु की कृपा सदा बनी रहती है, हर कार्य मंगल होता है। जब भी कभी किसी कार्य में कोई समस्या होती है तो गुरु का नाम लेके उस कार्य को निभाया जाता है, वह पूर्णतः से
कार्य परिपूर्ण होता है। सत्य राम दादू राम। महंत राघवेंद्र दास, स्थिरमन गणेश मंदिर, उज्जैन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए खबर उज्जैन के साथ।